आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद फिरोजाबाद में, जहां पर जो हमारे देश के समाजसेवी उपस्थित हैं उनसे वार्तालाप करेंगे। जिस प्रकार हमारे भारत देश के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, सरकार के द्वारा जो या सरकार के सलाहकारों के द्वारा या समर्थकों के द्वारा तरह तरह के बयान दिए जाते हैं, उनको देखते हुए आज जो हमारे देश के समाजसेवी हैं उनसे वार्तालाप करते हैं। सर, जिस प्रकार से हमारे देश की जो सरकार है, माननीय मोदी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, क्या आपको क्या लगता है कि सरकार अपने काम में, जैसे स्वच्छ शिक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षा के संबंध में कार्य, जमीनी स्तर पर कार्य सही से हो रहे हैं या एक दिखावा हो रहा है उनका? भारतीय संविधान में बाबा साहब ने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का और रोज़गार के समुचित उपाय बनाए हैं। अगर कोई भी सरकार हो, वर्तमान सरकार ही नहीं, पूर्व में रही हो या आने वाली हो या अभी चल रही है, अगर उन नियमों का पालन करती है तो हमारे जन जन को स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोज़गार की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता शिक्षा और संपत्ति में बराबर की लड़ाई है, बंटवारा होना चाहिए। यानी सत्ता शिक्षा संपत्ति और सम्मान बंटवारा हो एक समान। क्या कहा मैंने? सत्ता शिक्षा संपत्ति और सम्मान बंटवारा हो एक समान। भारत देश के अंदर जैसा बाबू जगदीप कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 भाग हमारा है। इस देश के अंदर हम 85% कहे जाने वाली बहुजन समाज के अनुयायी हैं। बहुजन समाज में हम पैदा हुए हैं। हमारे लोगों को इस देश के अंदर आज तक जितनी भी सरकारें रहीं, किसी भी सरकार ने शिक्षा में एक रूपता ला करके नहीं दी। शिक्षा में तरह तरह की व्यवस्थाएं हर सरकार ने की है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। इस देश में अगर आप चाहते हैं कि सबकी शिक्षा एक सी हो तो पहले एक पैटर्न होना चाहिए, तरह तरह के पैटर्न ख़त्म होना चाहिए। कोई नर्सरी चलाता है, कोई कॉन्वेंट चलाता है, वगैरह वगैरह, कोई राज्य स्तर, ये सब ख़त्म होकर के चाहे तो सरकार उसमें CBSE का सिस्टम करे, ICSE का करे या जो भी सरकार उचित समझे उस सिस्टम को लाए। लेकिन राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। जब तक एक समान शिक्षा नहीं होगी तब तक इस देश में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन लोग काबिल हैं और कौन लोग अयोग्य हैं, यानी कौन योग्य हैं कौन अयोग्य हैं। क्यों? एक व्यक्ति को अगर हम बादाम देंगे और एक व्यक्ति को हम केवल गेहूं खिलाएंगे तो दोनों की दौड़ कराने पर रिजल्ट हमको हमारे अनुसार प्राप्त नहीं होगा। हमें रिजल्ट लेने के लिए दोनों को बादाम खिलाना होगा, तब हमको पता चलेगा कि समानता का रिजल्ट किस प्रकार से क्या प्राप्त होता है। ये तो हमने शिक्षा के बारे में आपको अपनी बात की और शिक्षा के लिए बाबा साहब ने भारत के संविधान में विशेष आर्टिकल बनाया और 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान बाबा साहब ने किया। उसके बाद तमाम सरकारों ने उसमें परिवर्तन किए, किसी ने माता पिता के ऊपर डाल दिया आवश्यक है, लेकिन भारत के संविधान में दी गई शिक्षा के प्रदत्त अधिकारों को आज तक किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। भारत में अगर शिक्षा सबको साक्षर करना चाहते हैं या शिक्षित करना चाहते हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम सबको शिक्षित करना चाहते हैं तो हमको शिक्षा निःशुल्क करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का बच्चा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, नौकरी वाले का हो, मजदूर का हो, सबको हमें शिक्षा निःशुल्क करनी चाहिए। और सरकार को अपने ये आंकड़े खुद जनता के सामने रखने चाहिए कि 1952 में कितनी आबादी थी और शिक्षा के लिए कितना बजट रखा गया था, उसके 50 साल बाद 2002 में कितनी आबादी थी, कितना बजट था और कितना बजट रखा गया था, इसी प्रकार से वर्तमान में देश की कितनी आबादी है और कितनी शिक्षा के लिए
टोटल निधि कितनी रखी गई, उसमें शिक्षा के लिए कितनी निधि रखी गई है। अगर ये न्याय हम नहीं करेंगे जब तक हमको इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, ये तो शिक्षा के बारे में मेरा मानना है। स्वास्थ्य के विषय में ये है कि अगर सरकार स्वास्थ्य के जो केंद्र हैं, अगर हर स्वास्थ्य प्राइवेट कर दिया जाएगा, सरकारी अस्पताल ख़त्म हो जाएंगे और जो व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें खोल लेगा, अपने हॉस्पिटल खोल लेगा, अपने जगह जगह नर्सिंग होम खोल लेगा, तो आम आदमी की पहुंच से स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत दूर हो जाएंगी। आम आदमी अपने बच्चे को इलाज नहीं करा सकेगा। जिस प्रकार से मैं दावे से ये कहता हूं कि आज भी भारतवर्ष में जो सरकारी कर्मचारी तबका है, वो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी भी अपने बच्चे का बुखार पैरासीटामोल की गोली से उतारना चाहता है, वो चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहता। इस देश में चिकित्सकों ने एक ऐसी व्यापक रूप पर ऐसा रूप धारण कर लिया है, एक डॉक्टर के यहाँ पर खून के चेकअप के 10 रुपये लगते हैं और उसी चेकअप के एक के यहाँ 100 रुपये लगते हैं, एक एक्सरे के उसी विषय के एक्सरे के, इसकी ज़्यादा गहराई में न जाके, क्योंकि एक एक्सरे के 100 रुपये लगते हैं, उसी एक्सरे के एक दूसरे नर्सिंग होम में 200 रुपये लगते हैं। इसके लिए कोई भी सरकार हो उसको ये एक रूपता लानी चाहिए और इसके लिए फीस निर्धारित करनी चाहिए कि MD की फीस 200 रुपये होगी या 100 रुपये होगी, MBBS की फीस 50 रुपये या 100 रुपये होगी, MCH होगा उसकी फीस 500 या 300 रुपये होगी। जब तक कोई भी सरकार ये नियम लागू नहीं करती, जब तक व्यापारी वर्ग की तरह अपनी इच्छाओं के अनुसार डॉक्टर आम जनता को लूट रहे हैं, अगर ये लूटने का क्रम नहीं रोका गया तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य की सेवाएँ भारत में नाम मात्र के लिए है। सरकार संसाधन जरूर जुटा रही है लेकिन वो ऊँट के मुँह में जीरे की तरह, क्यों कि आबादी के बढ़ते हुए रेशियो में हमारे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहे, हमारे देश के अंदर जो जो एम्स कहे जाते हैं वो एम्स नहीं खुल रहे। जब कोरोना काल आया था तो ये विपत्तियां हमारे सामने आई, हमारे लोगों की मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई, हमारे लोगों की मौतें अस्पतालों में बेड न होने के कारण हुई, हमारे लोगों का मतलब यहाँ SC ST OBC से मुस्लिम से नहीं है, हमारे लोगों का मतलब ये है कि संविधान कहता है हम भारत के लोग, यानी हमारे भारत में रहने वाले हर जाति हर धर्म हर भाषा के लोग, उन लोगों को ये सुविधाएं आसानी से मुहैया होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी सरकार को बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से जो निर्धारित बजट किया जाता है शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी, वो बजट आबादी के रेशियो के हिसाब से निर्धारित करना चाहिए और इसी तरह सुरक्षा के लिए भी बजट निर्धारित करना चाहिए। सर अब हमारा अगला सवाल है कि जिस प्रकार से जो हमारे देश की सरकार है जो महिलाओं की सुरक्षा है अधिकतर जी, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, क्या सुरक्षा आज की हमारी जो महिलाएं हैं सुरक्षित हैं या उन पर और ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है? बाबा साहब ने एक बात कही थी कि किसी भी देश का विकास अगर हमें आकलन करना है तो हमें उस देश की महिलाओं ने कितनी उन्नति की है उससे उसका आकलन किया जा सकता है। मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ न कहते हुए ये कहूँगा आपसे कि अगर विकास की बात है तो हमको ये देखना चाहिए कि हमने महिलाओं को, भले आज महिलाएं चांद पर पहुँच गई, भले आज महिलाएं हमारी पायलट हो गई, भले महिलाएं सेना में पहुँच गई, लेकिन जो महिलाओं की आबादी है जो 50% तबका है, क्या महिलाओं को उस 50% के अनुपात में उनकी उन्नति हुई है? इसका आंकलन आप चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, क्या मीडिया में पत्रकार बनी है, क्या हमारी लड़कियां जज बनी हैं, क्या हमारी लड़कियां उतनी वकील बनी हैं, क्या हमारी लड़कियां उतनी डॉक्टर बनी हैं? यदि मैं देखता हूं तो इसका उत्तर ना मैं पाता हूं। तो इसके लिए सरकार को महिलाओं की, केवल जैसे वर्तमान सरकार कहती है कि बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा कुछ सही स्लोगन है,
तो ये जो स्लोगन है इसको पूरा करने के लिए हमें लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाने चाहिए। अगर हम अलग नहीं बनाना चाहते हैं तो को एजुकेशन में अलग से मेडिकल कॉलेज बनाने चाहिए, अलग से विधि के कॉलेज बनाने चाहिए, अलग से उनके लिए टेक्निकल कॉलेज बनाने चाहिए, अलग से उनके लिए बीएड बीटीसी तरह तरह के संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। और व्यापारिक क्षेत्र में भी महिलाएं जो कहा जा रहा है शिल्पकार नहीं है तो उनको शिल्पकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए और महिलाओं को स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार अगर ऐसी योजनाएं चला रही है तो वो सरकार अच्छे से बता सकती है, मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर ये केवल कहना है या इसको वास्तव में करना है तो ऐसा पटल पर आना चाहिए। कोई भी सरकार रहे जब तक इसको नहीं करती है और वो सब हो सकेगा तो वो संविधान के ही द्वारा संभव हो सकेगा। मोदी जी के जो सलाहकार हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि संविधान को बदलना चाहिए या हटाना चाहिए या नया बनाना चाहिए, तो इसे जो बयान दिया था इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? इसके संबंध में यूएनओ के सचिव थे अटोरिया न्यूगुइंटस, क्या नाम था, एंटोनियो गुटेरस, वो यूएनओ के सचिव थे, महासचिव थे शायद, और नेल्सन मंडेला भी भारत में आए, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने भी ये कहा था कि अगर भारत से कोई लेने लायक चीज़ है तो भारत का संविधान है, पहली बात। दूसरी बात, जो यूएनओ के महासचिव रहे जिनको विश्व प्रणाम, मतलब विश्व उनके एक विश्व के वो प्रमुख हैं, आदर्श और आदर्श हैं और बहुत सी पॉलिसियां वहाँ से तैयार होती हैं जैसा कहा जाता है, तो ये बताइए उस इतने बड़े महासचिव ने ये कहा कि भारत के संविधान को विश्व के सभी देश केवल लागू कर दें तो विश्व स्तर की गरीबी बेरोजगारी भुखमरी खत्म हो सकती है। अगर भारत के संविधान के बदलने की ज़रूरत थी तो यूएनओ के महासचिव ने ये बात क्यों नहीं कही, ये बात क्यों कही जो अभी मैंने आपको बताया, जिनका नाम बताया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, मैं संविधान का विद्वान नहीं हूँ, संविधान का बहुत बड़ा विख्याता नहीं हूँ, लेकिन जो संविधान के विद्वान हैं, जो यहाँ के अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश हैं या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, वो संविधान को ज़्यादा जानते हैं। अगर ऐसी ज़रूरत थी तो उन लोगों को अपने विचार देने चाहिए थे। जो व्यक्ति संविधान की जानकारी नहीं रखता जी जी। वो संविधान को बदलने की बात करता है, जब आर्थिक क्षेत्र में जानकार है तो उसे देश की आर्थिक पॉलिसियों की बात करनी चाहिए, उसे देश की आर्थिक स्थिति की बात करनी चाहिए। संविधान को बदलने की बात संविधान के विद्वान करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, संविधान भले बाबा साहब ने बनाया हो और संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रमुख थे वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उसके साथ अन्य सदस्य थे, लेकिन बी एन राव उस संविधान सभा के एक सलाहकार थे और बाबा साहब ने उनको ये कहा कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जब टी टी कृष्णामचारी ने भी ये कहा था कि बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ी कृपा की है और एक ऐसा संविधान दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और उस सभा में जितने भी विद्वान थे या उस समय जैसे एन पालकीवाल थे और आपके भार्गव दास थे, ठाकुर भार्गव दास, बहुत सारे लोग विद्वान, पोरवाल साहब थे, केएम जैसे सदस्य थे, केएम मुंशी थे, एम सादुल्ला थे जो रहे, तो उसमें 5 ब्राह्मण थे और 1 मुस्लिम थे और एकमात्र एक बाबा साहब कही जाने वाली बहुजन समाज जो उस समय के शूद्र समाज के नेतृत्व करता थे। उस समय SC ST OBC नहीं आया था, वो संविधान के बाद आया था और उन्हें अछूत कहा जाता था और अछूत जाति के जाति से पैदा होने के बाद उनको इस संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, उसके बाद उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और बाबा साहब उस प्रस्ताव को जब रखते थे, जो 399 जो सदस्य थे, 389 सदस्य थे और 99 पाकिस्तान में चले गए, उसके बाद जो बचे बाकी 200
89 200 कुछ बचे, मतलब 300 से कम सदस्य बचे। तो 389 सदस्य में से जब 99 से पाकिस्तान चले गए, बाकी के जो सदस्य बचे, उन सदस्यों के पटल पर उस क्वेश्चन को रखने के बाद, उसकी डिबेट होने के बाद, सबकी सहमति के बाद उस संविधान को स्वीकृति मिली, यानी उस अनुच्छेद जो बनाए गए या भाग बनाए गए, जो 12 भाग है, उस समय 8 भाग थे, उनको स्वीकृति मिलती थी, यानी सहमति मिलती थी, और सबकी सहमति के बाद उसको कानूनन रूप दिया जाता था। उसके बाद वो संविधान में अपना एक स्थान प्राप्त करता था, यानी जो नियम तैयार होता था। उसके बाद भी बाबा साहब ने ये कहा, मैं आपके इसलिए एक मिनट ले रहा हूँ, बाबा साहब ने ये कहा, फिर भी संविधान कितना ही अच्छा हो, संविधान को अगर लागू लोग करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान गलत साबित होगा। संविधान कितना ही गलत हो लेकिन उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी है तो संविधान अच्छा साबित होगा। लेकिन बाबा साहब ने फिर भी उसमें संशोधन की गुंजाइश रखी और संशोधन का प्रावधान उसी संविधान में किया जो संविधान बनाया, और संशोधन के द्वारा आज तक संशोधित होते रहे। लेकिन ये बात वो कहते हैं जिनको संविधान के बारे में आवासादा की जानकारी नहीं है, जो संविधान की एक भी धारा को नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान, जो ब्राह्मण वर्ग भारत का सबसे विद्वान माना जाता है, जिसको लोग बुद्धिमान मानते हैं, आज भी ये कहते हैं कि भारत का सबसे अगर विद्वान वर्ग कोई है तो ब्राह्मण वर्ग है। लेकिन वो ब्राह्मण वर्ग के विद्वान जो वकील बने, बैरिस्टर बने, सॉलिसिटर जनरल बने, अटॉर्नी जनरल बने, उन्होंने आज तक ये बातें नहीं कही। संविधान संशोधन की बात वो लोग करते हैं जिनको संविधान के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। भारत का संविधान एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का अधिकार देता है। भारत का संविधान रानी के पेट से राजा पैदा होने के अधिकार को खत्म करता है। भारत का संविधान राजतंत्र के अधिकार को खत्म करता है। भारत का संविधान गरीब और अमीर की खाई को खत्म करता है। भारत का संविधान शेर और भेड़ को एक घाट पर पानी पिलाने का नियम देता है। उस संविधान को लोग बदलने की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, ये दुर्भाग्य होगा कि अगर इस देश के संविधान को बदलने वाले लोग अगर किसी तरह अपने मकसद में कारगर हो जाते हैं तो इस देश में अनुसूचित जात कहे जाने वाली समाज, इस देश में अनुसूचित जनजात कहे जाने वाली समाज, इस देश में पिछड़ा कहे जाने वाली समाज का क्या हाल होगा। इस देश के अंदर एक ब्राह्मण की लड़की को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, औरत को भी स्त्री को भी शूद्र माना गया था। भारत के संविधान के द्वारा यहाँ की हर स्त्री को पढ़ने का अधिकार मिला, चाहे वो ब्राह्मण की लड़की हो, चाहे वो ओबीसी की लड़की हो, चाहे वो अनुसूचित जात की लड़की हो, चाहे वो अनुसूचित जनजात की लड़की हो। अगर ये संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं ये अधिकार नहीं रहेंगे तो यहाँ की महिलाओं का क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो बात कही, जब यहाँ की स्त्रियों को सरकारी नौकरी करने का अधिकार मिला, बाबा साहब ने इस भारत के मंत्रिमंडल से मात्र महिलाओं के ऊपर हिंदू कोड बिल से इस्तीफा दिया, यहाँ बाबा साहब ने यहाँ के पिछड़े वर्ग के लिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और 21 सितंबर 1951 को उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कानून मंत्री पद को लात मारने वाला भारत में पहला महामानव था जिन्होंने महिलाओं के लिए अपना पद त्याग दिया। आज तक महिलाओं के लिए ऐसी कुर्बानी किसी ने नहीं की। बाबा साहब ने इस संविधान के अंदर आर्टिकल 340 की व्यवस्था की जो पिछड़ों के लिए अधिकार देने के लिए बनाई। बाबा साहब ने उसके बाद 341 एससी के लिए बनाई और उसके बाद अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजात के लोगों के लिए बनाया। ऐसा न्यायप्रिय संविधान जो सामाजिक न्याय की बात करता है, जो समता की बात करता है, जो बंधुता की बात करता है, जो करुणा की बात करता है, जो मैत्री की बात करता है, जो स्वतंत्रता की बात करता है और लोग उसको बदलने की बात करते हैं, आप बताइए क्या भारत की महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार था? भारत की महिलाओं को जब मजदूरी करती थी तो भारत में जो व्यवस्था थी, पुरुष को 1 रुपया मिलेगा तो महिला को आधी मजदूरी मिलेगी। लेकिन बाबा साहब ने भारत के संविधान में और ब्रिटिश काउंसिल में 42 और 46 में
लेबर मिनिस्टर रहते हुए ये लिंगानुपात की मजदूरी को खत्म करके इस विभेद को बराबर, पुरुष और स्त्री को बराबर पैसा मजदूरी मिलेगी, ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने की। बाबा साहब ने भारत के संविधान में महिला को नौकरी करने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने भारत के संविधान में महिला जब प्रेग्नेंट होगी तो उसको सवेतन 6 महीने का 180 दिन का अवकाश दिया जाएगा। भारत की महिला अगर प्रेग्नेंट होगी, मिसकरेज होता है तो 45 दिन की उसको छुट्टी दी जाएगी। भारत के संविधान में भारत की महिला को जब वो बच्चे 2 पैदा हो जाएंगे और 18 साल तक का जब तक का बच्चा होगा तो CCL चाइल्ड केयर लीव 703 दिन 2 वर्ष की ऐसी लीव की व्यवस्था बाबा साहब ने की। बाबा साहब ने भारत की महिलाओं को पिता की संपत्ति में पुत्र की तरह बराबर का अधिकार हिंदू कोड बिल में, ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने की। बाबा साहब ने अपने पिता की चिता में आग लगाने का अधिकार भारत की स्त्री को दिया। और भारत में ऐसे बहुत से कानून बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बनाए जो अपने आप में एक मिसाल हैं, जो भारत में ही नहीं विश्व स्तर पर मिसाल कायम करते हैं। और भारत के संविधान को विश्व के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं तमाम देशों के, वो ये कहते हैं कि हम भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर को प्रातः उठकर नमन करते हैं। और आप बताइए, लोग कहते हैं कि भारत से अगर कुछ लेने लायक है तो भारत का संविधान है। भारत में ऐसी पार्टियां हुई जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाया और भारत के संविधान को अपना मैनिफेस्टो माना और भारत के संविधान को मैनिफेस्टो मानकर इस देश में अपनी सरकारें चलाईं। और सरकारें चलाने पर लोगों में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। आज भी लोग उन सरकारों का नाम लेते हैं और तारीफ करते हैं, क्योंकि वो सम्राट अशोक के बाद ऐसी सरकारें साबित हुई जिसमें स्त्री और पुरुष के विभेद को, ऊंचता नीचता के विभेद को, हिंदू मुस्लिम की खाई को, जाति और धर्म की खाई को खत्म कर दिया। भारत के संविधान की एक विशेषता है, वो विशेषता ये है कि भारत का संविधान सबको देता है समानता का सम्मान। सर, जिस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना की गई, उसकी आंकड़ों की सूची जारी की गई, तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो जातिगत जनगणना जो हुई है उससे हमारे देश में जातवाद बढ़ेगा, या हमारे देश में जो वंचित लोग हैं जिनको हक अधिकार नहीं मिले थे उनके अधिकार कुछ लोगों ने दबा के रखे, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर कि जो जातिगत जनगणना हुई है वो हमारे देश के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होगी या आपस में झगड़ों की वो मिसाल बनेगी? इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक बहुजन क्रांति के पुरोधा मानवर कांशीराम जी रहे हैं जी। उन्होंने एक बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए जी। तो ये जो जनगणना हो रही है इस बात का प्रतीक है कि इस देश में रहने वाली विभिन्न जातियाँ, उनको इस देश के शासन प्रशासन में भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर भागीदारी नहीं मिलती है तो सही माने में उन वर्गों का अपमान और उनके साथ अन्याय हुआ है। इसलिए ये जो मैं मेरा जहाँ तक मानना है, ये जातिगत जनगणना जो हो रही है ये लोकतंत्र के अनुरूप हो रही है और ये होती रहनी चाहिए। क्यों? इससे मालूम पड़ता है कि इस देश में जो संविधान में पाबंदी लगी हुई है कि सिर्फ 50% तक आरक्षण किया जा सकता है, जबकि आबादी उन लोगों की ज़्यादा है जो 85% लोग हैं जिनको इस देश में भागीदारी नहीं मिली है। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है, इस देश में जातिगत जनगणना के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। जिस प्रकार से जो मोदी सरकार है उनके सलाहकार और समर्थक हैं वो कहते हैं कि इस संविधान को बदलना चाहिए, तो इस पर क्या राय है आपकी? भारतीय संविधान बदला नहीं जा सकता है, एक बार प्रयास करके हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इस संविधान की समीक्षा हो चुकी है और संविधान की समीक्षा 2 साल तक चली, वेंकट चलैया के अध्यक्षता में वो बनी थी और उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उसमें भी किसी प्रकार से भारतीय संविधान की मूल चिंतन धारा है उस पर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है और उसमें किसी प्रकार की कोई विरोध नहीं किया गया है। तो हमको ये जान लेना चाहिए कि जो समीक्षा आयोग बैठा था उस समीक्षा आयोग ने संविधान बदलने की कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं बताई है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि संविधान बदलने की जो बात कहते हैं जो लोग, ये इसलिए गलत है कि भारतीय संविधान की जो लोकतांत्रिक संस्कृति है वो संस्कृति ये बताती है कि भारतीय संविधान के 9 स्तंभ हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय,
समान प्रतिष्ठा, समान अवसर, समान गरिमा, समान नागरिकता और समान अधिकार, ये संविधान के मूल स्तंभ हैं। इन स्तंभों को बदला नहीं जा सकता है। इन स्तंभों को जो उखाड़ने का प्रयास करेगा, इस भारतीय संस्कृति के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह पैदा होगा। इसलिए संविधान को बदलना ये बहुत बुरी बात है। दूसरी बात, जो लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, रामराज लाने की बात कर रहे हैं और धर्मनिरपेक्षता हटाने की बात कर रहे हैं, समाजवाद को हटाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग संवैधानिक संस्कृति को जानते नहीं हैं। लोकतंत्र तभी तक जिंदा रहेगा जब तक इस देश में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर जो इसके पुरोधा थे, उन्होंने ये माना था कि राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए देश में। और ये आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की बुनियादी है जिससे आज आम भारतीय नागरिक जो है स्वतंत्र है और उसमें उसको अधिकार प्राप्त हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो लोकतंत्र की परिभाषा है उसकी तरफ अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी परिभाषा बाबा साहब ने दी है। बाबा साहब कहते हैं कि ये लोकतंत्र वो पद्धति है जिसके आधार पर लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं बिना खून खराबे के। ये परिभाषा बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों दी है कि अगर लोकतंत्र में भी आम आदमी की सुरक्षा नहीं है, उसको सम्मान नहीं है, उसको अधिकार प्राप्त नहीं है, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोकतंत्र का भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। और ये लोकतंत्र जो है संविधान की चिंतन धारा पर बना हुआ है। संविधान की लोकतंत्र एक प्रोसीडिंग्स है, यानी कार्य प्रणाली है। संविधान के आधार पर लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र भी उन्हीं चीज़ों को पे काम करता है जो संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? इस देश में सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो, समान प्रतिष्ठा, समान अवसर प्राप्त हों, सबकी गरिमा एक जैसी हो, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने वाली बंधुता होनी चाहिए, तभी ये संविधान सही कारगर साबित हो सकता है। ये संविधान की जो मूल चिंतन धारा जो प्रस्तावना है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोकतंत्र में जो चीफ जस्टिस लोग हैं सभी लोगों की एक मत, एक ही राय है कि संविधान की मूल चिंतन धारा से छेड़खानी नहीं की जा सकती है। जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं उस संबंध में भी कुछ बताया गया आप लोगों को, जिन लोगों को संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है ऐसे लोगों से ये कहलवाया जाता है कि संविधान को बदलना जरूरी है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आज तक किसी चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि संविधान बदलना चाहिए, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि संविधान बदलना चाहिए, किसी राष्ट्रपति ने नहीं कहा संविधान बदलना चाहिए। ऐसे लोग संविधान बदलने की बात करते हैं जिनको संविधान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम जानते हैं कि संविधान लोकतंत्र की एक बुनियाद है, अगर ये बुनियाद ख़त्म हो जाएगी तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। और लोकतंत्र की बुनियाद के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमारे यहाँ न्यायपालिका बनाई गई है। न्यायपालिका सिस्टम यही कहता है कि जब भी लोकतंत्र पर, संविधान पर चोट पड़ेगी, न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। तो मैं समझ रहा हूँ न्यायपालिका इस बात से कतई सहमत नहीं है इस देश का संविधान बदला जाए या उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी की जाए। 368 में जो संशोधन की व्यवस्था है उसके आधार पर समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन संविधान का मूलोच्छेद करना, संविधान को बिल्कुल बदल देना, ये बिल्कुल गलत है। और ये विचारधारा जो इलाके ला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की चिंतन धारा और रामराज की चिंतन धारा, ये संविधान के अनुरूप नहीं है, लोकतंत्र के विपरीत है। मैं तो कहता हूँ भारतीय संस्कृति के विपरीत है, मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए इसके खिलाफ आम आदमी को संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता और अधिकार अगर यहाँ पर इस देश में सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान और लोकतंत्र की वजह से हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो इस देश का कोई संस्कार, कोई संस्कृति, कोई सुरक्षा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संविधान की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सभी भारतवासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस काम में आगे लगना चाहिए। संविधान बदलना देश को, लोकतंत्र को बदलने के बराबर है, जो कभी नहीं हो सकता है। इसका ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए कभी कि संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि संविधान पूरे संसार में यही संविधान व्याप्त है। इस संविधान के आधार पर तमाम लोगों की सरकारें चल रही हैं। नेल्सन मंडेला ने तो यहाँ तक कहा कि मैं इस देश का राष्ट्रपति बना तो सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से। ओबामा ने भी यही कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो मैं भारतीय संविधान की वजह से बनाऊँ, क्योंकि उनके लोकतांत्रिक मूल्य सभी देशों में विद्यमान है।
ये लोकतांत्रिक मूल्यों की जब तक सुरक्षा रहेगी तब तक भारतवर्ष का सम्मान बना रहेगा। अगर संविधान बदलता है तो भारतवर्ष का घोर अपमान ही नहीं होगा, भारतवर्ष गर्त में चला जाएगा। इसलिए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं अपनी इसी बात को यहीं पर विश्रामित करता हूँ। सर, जिस प्रकार से जो संविधान की बदलने की बात करते हैं तो सरकार जो कार्य कर रही है जैसे शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर, इसमें से क्या कहना चाहेंगे कि ये संविधान तो बदलना चाह रही है, पहले इन व्यवस्थाओं को किस प्रकार से चला रही हैं? जहाँ तक जो आपने बात कही है बेरोजगारी, शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य की जो बात हैं, जहाँ तक जी मैं कहता हूँ, मेरा अपना ऐसा मत है कि इन बातों पर कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए जी। ये आदमी की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं और इस मूलभूत आवश्यकताओं की जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि उनको घर घर तक पहुँचाए। इनमें किसी प्रकार की राजनीति करना, छेड़खानी करना, ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे लाश पर राजनीति करना। मणिपुर की जो घटना हुई है उस घटना पर लोगों ने राजनीति की है, ये बहुत बड़ी घिनौनी बात है। इस देश में इतना बड़ा नंगा नाच हो गया और सरकार उसको राजनीतिक दृष्टि से देख रही है और सरकार तो उस पर कुछ बोली भी नहीं। तो हमारा ये मानना है कि ये जो मूलभूत आवश्यकता है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये ऐसी बात है सेक्शन 21 में ये बताया गया है संविधान की धारा 21 में कि प्रत्येक नागरिक को 6 से 14 तक की शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। और भी धाराओं बताया गया है कि ये शिक्षा का जो अधिकार है, ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दिया गया है, ये शिक्षा का अधिकार सरकार की जिम्मेदारी है कि घर घर तक शिक्षा पहुँचाएँ। और जहाँ तक ये बात है जो निजीकरण किया जा रहा है शिक्षा का, शिक्षा का जो निजीकरण है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक कुत्सित व्यवस्था है। शिक्षा का निजीकरण करना शिक्षा को समाज से दूर रखना है। ये शिक्षा का निजीकरण कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि शिक्षा घर घर तक पहुँचनी चाहिए। बिना शिक्षा के ये देश आगे नहीं बढ़ा है। किसी ने कहा है एबिलिटी इज द पुअर मैंस वेल्थ, योग्यता गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आदमी शिक्षित नहीं है तो कभी योग्य नहीं बन सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने इस देश में 32 डिग्रियां प्राप्त की और उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, 16 संविधानों का ज्ञान था, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से था। भारत में उनको शिक्षा नहीं मिली, विदेशों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके भारतवर्ष में शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए हैं। इसलिए शिक्षा ऐसा बहुमूल्य रत्न है जिस पर बंदिश लगाना बहुत बड़ा पाप मानता हूँ मैं। हालांकि मैं पाप पुण्य में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर कोई गलत काम है, सबसे ज़्यादा अपराध है, तो वो शिक्षा को प्रतिबंधित करना है। शिक्षा आम आदमी तक पहुँचनी चाहिए और महिला पुरुष में इस प्रकार कोई अंतर नहीं करना चाहिए। जितना लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए उतनी लड़कों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसमें कोई लिंग भेद नहीं करना चाहिए। संविधान की धारा 15 कहती है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वंश, लिंग, धर्म और निवास स्थान के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये ऐसी संविधान की जो बात है, ये मूलभूत चिंतन धारा है संविधान की, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं वो इस देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको राष्ट्रवादी नहीं कहा जा सकता है। ये लोग गद्दार हैं और राष्ट्रद्रोही हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, शिक्षा पर राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं। ये लोग गद्दार हैं इस देश में, कभी ये लोग इस देश को चाहते ही नहीं हैं। ये 15% वाले लोग मैं कहना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो इस देश की लोकतांत्रिक संस्कृति से परिचित नहीं है और उसमें इनका समर्थन भी नहीं है। सर, जिस प्रकार से जो हमारे देश के अंदर उथल पुथल होती रहती है, कभी कोई सरकार का जो सलाहकार है या समर्थक है कुछ ना कुछ संविधान के संबंध में अपने बयान देते रहते हैं कि संविधान बदलना है, और जिस प्रकार से जो सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? वर्तमान में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहे हैं और अगली साल चुनाव भी आने वाला है, तो यहाँ का जो इस देश का जो बहुसंख्यक है वो इस बात से बहुत खफा है कि भारतीय संविधान को जो प्रधानमंत्री के नियर लोग हैं, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, जो आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं जो बहुत नियर हैं, बिना प्रधानमंत्री की इशारे के कोई आदमी अपने जो उसका मुख्य कार्य है उसके अतिरिक्त उसको सलाह देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा
एक जो है वो समय से विषय से हट करके ये दे नहीं सकता, उनकी उनकी इच्छा के मुताबिक हाँ दे नहीं सकता, जरूर उनका इशारा होगा जी जी। ये इसलिए हो रहा है कि देश में जो जो बहुसंख्यक लोग हैं, ये संविधान वैसे तो पूरे देश के लिए बना हुआ है जी जी, तो ये सबको समान रखते हैं संविधान में। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब समान है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बड़े छोटे के हिसाब से काम होता है, ये एक फुट नीचा एक फुट ऊंचा और उसी हिसाब से बर्ताव किया जाता है। तो वो इस संविधान की जगह मुझे अच्छा लगता है मनु का संविधान, जिसने इस देश को पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, अब बहुत जागरूक हो गया है, जो संविधान को बदलेगा उसकी सरकारी बदल जाएगी। इस देश ने जो बहुसंख्यक है, जो प्रसा जो लगभग 90% आदमी है, वो इसके बिल्कुल टोटल खिलाफ है, बर्दाश्त नहीं करेगा ये। पहले तो ये बदला नहीं जा सकता, और बदलते भी हैं तो इनको बदलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, ये खुद बदल जाएंगे। नंबर वन। दूसरी बात आपने कही कि जो महिलाओं की सुरक्षा है जी जी, उसके बारे में आपका प्रश्न था, इसके बारे में भी मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, इस वक्त वो पूरी तरह से फेल हो रहा है। नहीं है इस देश में महिलाओं का सम्मान। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इस देश की गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली पहलवान जी 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 महिलाएं लगभग एक दर्जन, और आज भी मैंने पेपर में पढ़ा, आज 11 तारीख है, 11 अक्टूबर अमर उजाला के फर्स्ट पेज पर ही पढ़ा, उसमें शायद 5 या 6 महिलाओं के साथ बलात्कार किया, वो तीरंदाज है, और किसने किया, जो उनका जो ट्रेनिंग देता था तीर चलाने का, निशाने लगाने का कोच ने ये काम किया, कोई मिस्टर शर्मा है जी जी। तो ये कहाँ है, देश के साथ कितनी खिलवाड़ हो रही है उन टॉपरों के साथ, जो हमारी जो जो देश का जो नाम रोशन करती हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, इससे बड़ा क्या होगा। छोटे छोटे महिला और जो रेसलर थी वो भी उनके साथ, हाँ वो जो पहलवान है रेसलर थी, तो बताओ जब इनको नहीं बख्शा जा रहा है, उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है, FIR होने के बाद भी लिपा पोती होती है। आज भी वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह है खुलेआम घूम रहे हैं, आप देख रही, तो ये है आदमी अपने पेट के अंदर रखे हुए हैं ये चीज़ें, कि इनकी करनी में और कथनी में कितना फ़र्क है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भी इनका नारा केवल गुमराह करने वाला है। और जहाँ तक आपने बताया कि जो स्वास्थ्य है जी, स्वास्थ्य के नाम पर भी इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो कि अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो तो अमेरिका भाग जाते हैं जी। जैसा कि जो बीजेपी के सांसद हैं सनी देओल, अपने पिताजी का इलाज करवाने के लिए वो अमेरिका गए हुए हैं, जबकि वो सरकार के सांसद हैं, पार्टी के सांसद हैं, जब उनको विश्वास नहीं है मतलब अपनी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, तो ये जो गरीब आदमी जो सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं या मेडिकल है जी, या जो हॉस्पिटल है, वहाँ आप देखो लाइन लगी रहती है जी जी। तो सबसे एक जानी पहचानी बुखार की दवा है जी। मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, वो जो है शॉर्ट पड़ जाती है। अभी कितना जो है डेंगू चल रहा है फरीदाबाद के अंदर, ये महीना भी बीमारियों का ही है। हाँ, और जो है ये जो बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, महिलाओं को, औरतों को,
जो डेंगू फैल रहा है, सरकार के पास कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। सरकार तो अधिकतर तो मोदी जी आपको मत्था टेकते हुए देखेंगे, मतलब मंदिरों पर। ये मंदिरों से इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं, इसके डॉक्टर चाहिए। वो कोशिश तो करते हैं मंदिरों पे जाके के हमारा काम सही हो। इस पे मेरा ये कहना है कि अगर देश को मूर्ख बनाना है जी, तो सबसे बड़ा हथियार है धर्म का। धर्म एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप जो है वो धर्म की तरफ पेल दो तो फिर आदमी सब चीज़ भूल जाता है, भ्रम में डाल देंगे। हाँ, भ्रम में डल जाता है वो। और अगर उसको जागरूक बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो फिर बाकी लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो शिक्षा है। अब आप देख लो शिक्षा के ऊपर ये क्या कर रहे हैं। गरीब आदमी आज अपने बच्चों को पढ़ाना दुर्लभ हो गया है, और जो गरीबों के लिए स्कूल है उसमें आप देख लो सड़ा गला, जो इनको दलिया दिया जाता है। तो ये केवल जो है लोगों को, जब उसके पास खाना नहीं है, आप 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, तब उसकी जान बची हुई है। अगर वो बीमार हो गया तो मैं बता रहा हूँ 10 रुपये की गोली नहीं ले सकता, और प्राइवेट में दिखा नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है। 500, 600, 800 रुपये चाहिए एक डॉक्टर की फीस होती है। तो जो स्वास्थ्य के बारे में जो खिलवाड़ हो रही है इस देश की जो गरीब जनता है, और वैसे कहने को यह है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि इस समय जो देश को आज़ाद हुए करीब 75 साल होने जा रही हैं, जिसको अमृत काल से इसको तुलना की जा रही है, तो तुलना की जा रही है कि इस समय अमृत काल चल रहा है। कौन सा अमृत काल है भाई? आप पे तो छोटी छोटी बीमारियों का भी इलाज नहीं है, आप डॉक्टरों की भर्ती कर रहे नहीं हो। डॉक्टर बनाने के लिए आपने इतनी फीस लगा दी है कि कोई सामान्य परिवार का बच्चा जो अब डॉक्टर नहीं बन सकता। तो ये जो चीज़ें हैं, केवल एक और कहा था आपने कि ये जो रेंजर टीवी इंडिया है जी, ये धर्म से हटके, जात से हटके बात करता है, सत्य के सत्य बोलता है जी। और कबीरदास जी ने तो एक ही लाइन में सब कुछ ख़त्म कर दिया, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। यानी जो सत्य बोल रहे हो तो उसमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, न मंदिर में जाना, न भजन करना, न कीर्तन जाना, ये सबसे बड़ा आपका है। लेकिन आज देखो सरकार में क्या हो रहा है, कर कुछ नहीं रही है, ढिंढोरा ऐसा पीट रही है कि इस देश को विश्वगुरु बना दिया। कायम विश्वगुरु है भाई, 80 करोड़ तो आप ही बताते हो कि हम 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं जी। काय का विश्वगुरु है? सरकारी विभागों को आपने निजीकरण बदल दिया, कहाँ है बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है। इसे देश को अगर चौपट करने में सबसे बढ़िया भूमिका है जो आपने क्वेश्चन किए है, मैं तो ये कहता हूँ मैं इनको उन चीज़ों में से एक भी मार्क्स नहीं देता। तो आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।